आपने देखा है जो बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं, उलमा भी, मुज्तहिदीन भी, मुहद्दिसीन भी, औलिया अल्लाह भी, तो जितना जितना कोई भरा होता था ना, वो छलता नहीं था, और जो हौले होते हैं वो उछल पड़ते, बात बात पे इतराज करते। वाले साहब हमें खुद सुनाते थे रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, वलीउल्लाह थे, लेकिन जलाली थे, बड़े छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता। और हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा गुलाम दीनपुरी रहमतुल्लाह, ये भी बड़े चोटी के बुजुर्गों में थे, लेकिन इल्म था, हौसला। अंग्रेजों ने जब हजरत खलीफा साहब को गिरफ्तार किया दीनपुर शरीफ से, ये खानपुर के करीब इलाका है जिला रेनियाल खान में, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हक वालों का वो मरकज दीनपुर जो है वो आबाद है, जिंदा है, लाखों लोग इस्तफादा कर रहे हैं। तो यहां से उन्होंने गिरफ्तार किया, और यहां से सक्कर कम से कम 100-150 मील दूर है। तो हजरत को उल्टी हथकड़ी लगा के सिपाही साथ दे के पैदल ले गया सक्कर। अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि ये हमारी ताकत है, देखो तुम कितना बड़ा खलीफा है, बुजुर्ग है, पीर है, और तारीख की आज़ादी का बहुत बड़ा जर्नेल है, हमने देखो कैसे गिरफ्तार कर ले, भाई कौन मुकाबला कर सकता। सक्खर जेल में जाके बंद कर दिया, तकरीबन 6 महीने जेल में रहे। और 6 महीने के बाद झूठे केस होते हैं, मुकदमे तो झूठे ही होते हैं ना जी, इल्ला कलील में निभाए, बहुत थोड़े होते हैं जो सही होते हैं। बहरहाल जब छूट गए, वह साहब कहते हैं कि हम मिलने के लिए गए, तो मैंने हुज्जत करके कहा, मैंने कहा हजरत कमाल है, आपको यहाँ से हथकड़ी लगा के 150 मील तक सारी दुनिया के सामने खींच के ले गए, और आपकी तो कोई बुजुर्गी कोई करामत भी नजर नहीं आई, आपके बजाय अगर हजरत की रोटी होती ना तो इनको तमाशा दिखा दे कि कैसे पकड़ते हैं। तो वैसे फरमाते हैं कि हजरत मुस्कराए और फरमाया, खैर मोहम्मद, हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, एक ही बुजुर्ग की खिलाफत है, हजरत हाफिज मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह बरचुंडी शरीफ पर, लेकिन मेरे भाई का अभी बर्तन कुछ खाली था इसलिए उछल पड़ता था, भरा हुआ हो तो उछलता नहीं है। तो फायदा ये है कि अनजन में इतना वसात होती है, और बात तबाहें भी ऐसी होती हैं, कुछ जलाली होती हैं, कुछ जमाली होती है। देखा मुसा साहब जलाली थे, भाई को भी पकड़ लिया, हालांकि भाई नबी है, भाई के बालों को दाढ़ी को पकड़ लिया, नबी होकर, रसूल होकर, कलीमुल्ला होकर, और भाई रो रहा है कि ला ताकुत बिदेयती वला बिरासी, बाद में अल्लाह से माफी भी मांग रहे हैं, फिर ली वाले अखी। तो ये जलाल होता है, और जमाली जो है, जैसे मेरे मदनी पाक सरापा जमाल थे, कि दुश्मनों ने जो भी कहा मेरे मदनी ने बद्दुआ तक भी नहीं की, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे,